أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين। कल बात चल रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है आग के अंदर जो है उन लोगों ने एक मनसूबा बनाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। अब जब इस इम्तहान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझिए कि पास हो गए और वो सही सलामत जो है आग से निकल आए, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी ज़ाहिबुन, कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से इला रब्बी, अपने रब की तरफ, सयहदीन, मुझे अनकरीब कि अल्लाह ताला जो है हमको सीधे रास्ते की तरफ यानी लाएगा, यानी सीधा रास्ता अल्लाह ताला हमको दिखलाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस जगह थे, अहले इराक़ यानी इराक़ के अंदर, इनका जो है असल वतन जो इराक़ के अंदर था, उसी जगह पर थे। कल जो हमने शाम कहा था गलती से, लेकिन असल में ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अब्बा वगैरह जहाँ ये वाक़या पेश आया था, उस जगह का नाम जो है, उस मुल्क का नाम इराक़ था। अब यहाँ से जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से जो है शाम की तरफ निकले थे, शाम चले गए थे। और जब वहाँ गए तो इन लोगों से कहा कि वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन, मैं जा रहा हूँ इला रब्बी, अपने रब की तरफ, यानी अपने रब को तलाश करने के लिए। तो सयहदीन, अन करीब मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हमको जो है सीधे रास्ते की तरफ जो है यानी सीधा रास्ता दिखलाएगा और मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। अब आगे कह रहे हैं कि रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन। जब शाम पहुँचे तो उनको जो है औलाद की जो है एक एहसास हुआ कि हमें भी कुछ एक औलाद होना चाहिए जो हमें जो है देखभाल के लिए, और उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे हालात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में जो है दुआ मांग रहे हैं कि रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन, कि मेरे परवरदिगार आप मुझे नेक सालिह औलाद अता फ़रमाइए। क्या है? नेक सालिह औलाद अता फ़रमाइए। तो अल्लाह ताला जो है आगे फरमा रहे हैं कि फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो बस हमने उन्हें जो है एक हलीम और बुर्दबार ग़ुलाम यानी कि बेटे की जो है खुशखबरी उनको हमने सुनाई। अब जो है बेटा जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है यानी कि पैदा हुए, अब जब इनकी उम्र जो है फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटा जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगे, फिरने लगे, उनके यानी कि बालिग की उम्र हो गए, बालिग होने लगे थे, तो अब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है रात में ख्वाब देख रहे हैं कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, कि ऐ मेरे बेटे मैं रात यानी कि ख्वाब में देख रहा हूँ कि अन्नी अज़बहू का फनजुर माज़ा तरा, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। देखिए एक अभी एक समझिए कि एक इम्तहान से फारिग हुए थे। कौन सा इम्तहान? कि अल्लाह ने उनको जो है लोगों ने आग में डाल दिया था, तो इस इम्तहान में पास हो गए। अभी ये इम्तहान जो है समझिए कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, दूसरा इम्तहान शुरू हो गया, और 80 या 82 साल की उम्र में जो है अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाया। अब औलाद अल्लाह ताला ने दिया तो खुशी होती इंसान को, चलो भाई एक औलाद हुआ बहुत दिनों के बाद, तो इंसान को बहुत उम्मीदें रहती हैं अपनी औलाद से कि थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का होगा तो हमारा साथ देगा, हमारे जो है कंधे का सहारा बनेगा, हमारा साथ जो हमारे साथ रहेगा हमारे जाने के बाद जो उसे एक सहारा रहेगा। तो अब ऐसे हालात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है रात में ख्वाब में जो है देख रहे हैं कि हम अपने बेटे को जो है ज़बह कर रहा हूँ। अब जो है ये बात जो है अपने बेटे से कहने लगा तो कि फनजुर माज़ा तरा, तो देख लो तुम्हारी क्या राय है। क्या है? यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के सामने ये बात रख रहे हैं। और नबी का जो ख्वाब होता है ये वही होता है, जितने भी अंबिया किराम हैं जब ये ख्वाब देखते हैं तो एक समझिए कि एक अल्लाह की तरफ से एक वही होती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ख्वाब देखे तो इन्होंने समझ गए कि ये कुछ अल्लाह की तरफ से ज़रूर हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश जो फिर होने वाली है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर, ए मेरे अब्बू आप उस काम को कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म मिला है, यानी जिस चीज़ का आपको हुक्म मिला है, आपने जो ख्वाब में देखा है उस काम को आप बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल आप कर डालिए, इसमें सोचने और राय लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है।
और आगे ये भी कहा कि सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, और आप जो है मुझे बिल्कुल इंशाअल्लाह साबिरीन करने वालों में से पाएंगे, यानी कि हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, हम इंशाअल्लाह जो है सब्र करने वालों में से आप जो है आप हमको जो है पाइएगा। अब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को लेके जो है चले ज़बह करने के लिए कि फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को पसीने के यानी जो पसीना जो ये पेशानी जो है इसके बल जो है लिटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसको इसलिए लिटाया गया, और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम ख़ुद कहा कि अब्बा आप जो है हमें इस यानी कि सर के बल जो है सर हमारा यानी कि चेहरा हमारा जो है नीचे हो, और जो है ऐसे जो है आप हमारे यानी कि छुरी चलाइएगा, इससे ये होगा कि जब आप छुरी चलाइएगा तो आपका चेहरा और हमारा चेहरा दोनों जो है अलग रहेगा, मिलेगा नहीं। अगर सीधा अगर हम रहेंगे तो जब आप ज़बह कीजिएगा तो आपकी नज़र हमारे चेहरे पे आएगी, तो हो सकता हो कि आपके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए और आप उस मोहब्बत की वजह से छुरी ना चला सकें, तो लिहाजा आप हमको उल्टा लेटाइए। देखिए अब जैसे ही जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाए उल्टा तो ज़बह करने के लिए, तो छुरी चलाए तो छुरी जो है चल नहीं रही थी, इसलिए कि ये चीज़ छुरी भी जो है अल्लाह का हुक्म का जो है मोहताज था। और ग़ैब से आवाज़ आई कि वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने पुकारा कि ए इब्राहिम क़द सद्दक़्तर रुया, आपने जो है इस ख़्वाब को सच कर दिखलाया है, यानी जो ख्वाब आपने देखा था और जो इम्तहान हम आपसे लेना चाह रहे थे उसमें आप कामयाब हो गए। क्या हो गए? आपने सच कर दिखलाया और आप कामयाब हो गए। अब अल्लाह ताला एक लकब दे रहे हैं कि इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम मुहसिनीन के साथ जो है ऐसा ही बदला अदा करते हैं, उनको ऐसा ही बदला जो है देते हैं। जी अब आगे कह रहे हैं कि इन्ना हाज़ा लहु वल बलाउल मुबीन, और बेशक ये जो है समझिए कि आप समझिए खुली तौर पे जो है आप एक आजमाइश में थे और इस आजमाइश में आप जो है कामयाब हो गए, पास हो गए आप। और व फदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, और उस जगह पे अल्लाह ताला ने जो एक ज़ुम्बे को जो है जन्नत से भेजा, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पे कौन कत्ल हुए? दुम्बा जो है उसकी क़ुरबानी हुई। अब आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की व तरकना अलैहि फ़िल आखरीन, और हमने आने वाले नस्लों के दरमियान इसको जो है हमने कायम कर दिया कि क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उम्मत मुस्लिमा उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। और आज भी जो है अभी तक जो है हर साल लोग जो है लाखों की कितनी की तादाद में लोग क़ुरबानी कर रहे हैं। देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक इम्तहान में पास हुआ तो देखिए क़यामत तक जो है चलता रहेगा। और अल्लाह ताला ने इतना एहसान हम लोगों पर किया कि हम लोगों के लिए हम लोगों को एक खाने का एक त्यौहार ही दे दिया कि बकरीद के दिन आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं गोश्त के अलावा। ये भी है किताब के अंदर हमने मुताला किया, उसमें ये कि आप बकरीद के दिन ये नहीं कि जो गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिए हैं तो चलो कुछ और खा लिया जाए, गोश्त तो खाते ही रहते हैं, आप पूरे साल कितने भी खाए होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईद के दिन आपको गोश्त ही खाना होगा जो आपने क़ुरबानी की है। हाँ, जो अगर क़ुरबानी नहीं किया उनकी बात अलग है, किसी को गोश्त खाने मना किया गया है डॉक्टर तो वो अलग मसला है, किसी को खाने की आदत नहीं है खस्सी का गोश्त वो अलग मसला है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुक्म बयान किया है और ये समझिए कि क़यामत तक ये चलता रहेगा, और अल्लाह ने हमको एक ऐसा त्यौहार दे दिया जिसमें आप खाइए पिए ओनली सी जो है सिर्फ गोश्त खाइए। तो अल्लाह ताला फरमाए कि वह तरकना अलैहि फ़िल आखरीन, हमने इसको जो है आने वाली नस्लों तक जो है क़यामत तक के लिए हमने इस पर जो है रिवाज को कायम कर दिया, इस सुन्नत को हमेशा के लिए जो है जारी कर दिया। अब आगे कह रहे हैं कि सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, क्या है किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती हो। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम मुहसिनीन के साथ बदला उनको बदला देते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मुमिनीन बंदे में से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? यानी कि अल्लाह ताला एक समझिए कि एक लकब दे रहे हैं, यानी जैसे कि इम्तिहान में पास होता है हमारा बच्चा
सबसे पहले उसको हम जो है शाबाशी देते हैं, मिठाई खिलाते हैं लोगों में, फिर लोगों में तारीफ़ करते हैं कि हमारा बच्चा जो है मेहनत किया है, ये दिन रात मेहनत किया है तब जाके जो है कामयाब हुआ है। तो अल्लाह ताला भी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ समझिए कि तारीफ़ कर रहे हैं, इसलिए कि इतना भारी समझिए कि इतने भारी इम्तिहान में पास हुए हैं। अभी के दौर में कोई अपने बेटे को ज़बह कर सकता है? अगर मान लीजिए उस दिन अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से अगर इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बह हो जाते तो क़यामत तक के लिए जो हर आदमी के ऊपर ज़िम्मेदारी होता है कि हर सब अपने एक एक बेटा को ज़बह करता। लेकिन अल्लाह ने देखिए क्या निज़ाम चलाया कि उनकी जगह पर एक दुम्बा जो है लाया, और एक सिर्फ एक आजमाइश थी, इम्तिहान था। अब आगे कह रहे हैं कि वह अबशर ना हो, और हमने उनको खुशखबरी दी कि भी इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी उनके बेटे थे, नबीयम मिनस्सालिहीन, वो जो है नबी भी थे और सालिहीन थे, नेक सालिह नबी थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। अब आगे कह रहे हैं कि वबारकना अलैहि वअला इसहाक़, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वअला इसहाक़ और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल की, हमने उनके ऊपर बरकतें नाजिल की, और वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन, और उनकी ज़ुर्रियत में उनके ख़ानदान में मुहसिनुन, जो लोग भी नेक साले इंसान हैं, मुहसिन हैं, और वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है बिल्कुल ज़ालिमीन है, और वो अपने नफ्स पर जो है खुले आम जो गुमराही की तरफ है, यानी वो अपने आप को जो है वो अपने आप को गुमराही के रास्ते पर डाल लिया है। यानी इनके ख़ानदान में कुछ ऐसे हैं जो नेक साले नबी भी गुजरे हैं, बंदे भी गुजरे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो है गुनहगार भी थे, ज़ालिमीन थे, जो अपने आप को जो है गुमराही के रास्ते पर जो है ले गया था। तो इतने सारे आयत में समझिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या जो क़ुरबानी के ताल्लुक से हर साल बयान होते रहता है, उसी में जो समझिए कि इसमें बयान किया गया है। बाकी देखिए कि हर एक इंसान के सामने जो है दुनिया के अंदर ये दुनिया जो है ना समझिए कि इम्तिहान गाह है, यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल है ये, यहाँ रिज़ल्ट नहीं सुनाया जाता है। कभी आपने सुना हो कि जहाँ इम्तिहान होता है इम्तिहान हॉल में रिज़ल्ट नहीं सुनाया जाता है, इम्तिहान के एक दो महीने के बाद जो है सुना जाता है रिज़ल्ट, वो भी नेट पर आता है आजकल। पहले तो जो है हम लोग मोबाइल क्या कहते हैं कागज़ पे आता था, अब तो नेट का ज़माना है। तो इसी तरह दुनिया है, दुनिया में जो हम इम्तिहान दे रहे हैं हम लोग, अभी रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा मैदान महशर में, वहाँ रिज़ल्ट सुनाया जाएगा, वहाँ हमारा दफ्तर खुलेगा, वहाँ हमारा जो है एग्ज़ाम जो दिए उसका पेपर खुलेगा। तो इस दुनिया के अंदर हम अभी इम्तिहान दे रहे हैं, रिज़ल्ट के चक्कर में ना रहें कि जो है हम जो है जैसा करेंगे दुनिया के अंदर ही अच्छा अमल मिलेगा, ये आखरत में मिलेगा। हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएं।